हेलो गाइस, मैं हूं अमित। और अभी आपने जो कुआं देखा वो है भाई बहुत ज़्यादा पुराना कुआं। और जब ये कुआं खुदा था तो भाई इसके अंदर काफ़ी ऊपर पानी हुआ करता था, लेकिन अभी इसके अंदर जो है पानी नहीं है। इतना ज़्यादा गहरा होने के बावजूद भी अब इसमें कबूतर हैं और इसमें बोरवेल है जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे है। लेकिन भाई जब ये कुआं चालू था ना शुरू में, तब इसमें एक मोनोब्लॉक मोटर डलती थी जो कि सबमर्सिबल नहीं थी, पानी के ऊपर रहती थी, 50 साल पुरानी मोटर। तो आज हम आपको जो है वही मोटर दिखाने वाले हैं, और खास बात यह है कि उस मोटर के अंदर की चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो मोटर जो है वो रखी हुई है भाई यहाँ पर एक छोटी सी कोठरी में। तो यहाँ पर जो है थोड़ा अंधेरा सा है, अंदर आ जाओ। तो भाई मैं अपने फोन की फ्लैश जला लिया हूँ, यहाँ पर आप जो है मुझे देख सकते हो, और अंदर आ जाओ। तो यहाँ पर भाई अभी जो है यहाँ से ऑपरेट होता है सारी चीजें, मोटर कैसे चलानी है, बंद करनी है सब। तो भाई ये जो मोटर है यार, ये काफी टाइम से रखी हुई है। आते हैं टायर को साइड में रख देते हैं, और यार यहाँ बहुत गर्मी सी है अलग ही एकदम। तो ये जो मोटर है आप लोग देखो इसकी क्या हाल हो रखी है, कितने जाले वाले लग रखे हैं। तो इसको हम खोलेंगे, आई डोंट नो इसको खोलना कितना मुश्किल होगा। भाई साहब ये जो मोटर है ना लगभग 25-30 साल से यहां रखी हुई है और बंद पड़ी हुई है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। चलो भाई इसको, और भाई मुझे नहीं पता इसमें कितना वजन है। ओ तेरी भी बहुत भारी है भाई साहब, लोहा है पूरा। उठा भाई उठा, दम लगाना। अरे यार हवा में नहीं आ रही। ओ भाई उठ ही नहीं रही। ओए एक जना और आ जाओ यार इधर। तो भाई फाइनली हमने इस मोटर को कोठरी से निकाल करके टेबल पे रख लिया है। बहुत ज्यादा मेहनत लग गई भाई साहब, इसमें तो वजन है काफी ज्यादा, मेरे ख्याल से लगभग 1 क्विंटल वजन इसमें होगा। पूरा लोहा है, और आप लोग देखो इसकी क्या हालत हो रखी है, जाले ही जाले लगे हुए हैं चारों तरफ। इधर ये देखो ये क्या हो रखा है भाई अंदर भी क्या भरा हुआ है। तो भाई वैसे ऑब्वियस सी बात है, ये जो मोटर है अगर 30 साल से बंद पड़ी है तो ये तो होना ही था। और पता है खास बात क्या है, ये मोटर जहां तक मुझे जानकारी है ये एक चालू मोटर है, यानी कि ये एक वर्किंग मोटर है। ये मोटर फुकी हुई या खराब नहीं है, मतलब कि इसका यूज ही इतना कम हो गया कि इसको निकाल के रखना पड़ा। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये है 5 हॉर्स पावर की, यानी कि 5 घोड़ा शक्ति या फिर 5 अश्व शक्ति जो भी होता है तो भाई साहब आप इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। यार कहां से करें, इसमें जंग लगी हुई है। चलो तर लाओ भाई, टूल्स वगैरह लाओ कुछ। ओए घूमती है, इधर दिखाना। देखो यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसका जो ये पार्ट है ये बढ़िया से रोटेट कर रहा है, थोड़ी आवाज जरूर कर रहा है बट ठीक है। दोस्तों पहले बोल्ट से शुरुआत करते हैं, और यार बहुत ज्यादा जंग लगी हुई है, लेकिन वाओ बोल्ट जो है वो लूज हो गया भाई पहली बार में ही। चलो ये तो बढ़िया, हाँ पहला बोल्ट तो खुल गया। मैं तो सोच रहा था इसमें बहुत ही ज्यादा जो है दम लगाना पड़ेगा, बट ठीक है। चलो दूसरा वाला देखते हैं हम। ओ तेरी, पकड़ के रखा, फंसे हुए हैं बोल्ट। और भाई इसके बोल्ट खोलने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रही है यार। बोल्ट की हालत देखो जरा आप, ये देखो मतलब क्या जंग लगी हुई है इसके ऊपर, कब के जमे हुए हैं अंदर, पूरा जंग भरा हुआ है। कितने खोलिए, 4 खोलिए, अभी 3 बाकी हैं शायद, है ना। चलो यार लगाओ दम। तो भाई यहाँ पर इस मोटर का ये सेक्शन बाहर आ गया है, और भाई ये वाला जो पार्ट है इसमें ये मूवमेंट करता है, देखो गोल गोल, और ये पूरा घूम रहा है। देखो इधर से भी मैं इसको घुमा सकता हूँ, और यहाँ पर जो है एक सील लगी हुई थी जो कि पिंक कलर की थी, मुझे लगता है एक पेपर की सील होगी शायद। और भाई साहब एक चीज और देखो आप, यहाँ पर ये क्या है भाई,
और ये किसके अंडे हैं, छोटे छोटे फूटे हुए हैं सारे। अरे यार मुझे लगता है बहुत पुराने अंडे हैं इसमें, जिसमें से इसके बच्चे बच्चे तो जा चुके हैं शायद। तो भाई अब क्या करें, अब क्या खोलें, ये पार्ट खुलेगा शायद अभी। और ये जो है एक मोनोब्लॉक मोटर है, इसको मोनोब्लॉक इसीलिए बोलते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही पंप है, मोनो मतलब सिर्फ एक पंप। ये जो मोटर्स हैं ये पहले काम आती थी जब कुएं में पानी काफी ऊपर हुआ करता था, लेकिन अभी जो है वाटर लेवल नीचे जा रहा है तो सबमर्सिबल पंप्स का यूज होता है, जो बहुत नीचे से पानी में डूब के पानी फेंकती है। ये इसका पंप है, ये सामने से पानी लेकर के उसको ऊपर जो है पंप करता था प्रेशर से, ताकि पानी कुएं से बाहर निकले। तो अब जो है इस हिस्से को खोलते हैं, ये मोटा बोल्ट है बहुत ज्यादा बड़े साइज का, इसको खोलना पड़ेगा। तो भाई बड़ा बोल्ट जो है वो खुल चुका है, और अब इसको जो है अंदर की तरफ धक्का मारना पड़ेगा। हाँ, तो भाई साहब फाइनली एक घंटे की मेहनत के बाद में ये जो पंप का पार्ट है ये बाहर निकल गया। भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी, देखो ये टूट भी गया, यहाँ से हमने इतने चोट मारे कि लोहा, इतना मोटा लोहा टूट गया। तो अब जो है आप देख सकते हो कि इसका पंप खुल चुका है, जो मोनो ब्लॉक है वो खुल चुका है पूरा। तो अब इसके ऊपर चोट मारते हैं, शायद ये पीछे खुल जाएगा। अब भाई दूसरी तरफ से ठोकने की वजह से ये वाला पार्ट देखो इसका बाहर आ गया है, आ गया, आ गया, आ गया। ओहो, तो पकड़ो इसको, बहुत भारी है। तो भाई साहब ये जो है मोटर का पार्ट बाहर आ गया, जो कि काफी ज्यादा हैवी है, और अंदर इसके दिखाओ। तो भाई यहाँ पर मुझे लगता है ये कॉपर की वाइंडिंग होगी, पुरानी चीज़ों में वैसे भी सब कॉपर का ही आता था। और यहाँ पर देखो पूरी गोल गोल स्ट्रक्चर है, ये जो है इसका स्टेटर पार्ट है, जो कि भाई साहब मैग्नेट बनाता होगा। ये जो है एक वाइंडिंग है पूरी, जो कि एक नॉर्मल मोटर का पार्ट है बेसिकली। ये है इसका रोटर पार्ट, जो कि हमने इससे बाहर निकाला है। भाई पूरा लोहे का बना है, देखो कितना ज़्यादा हैवी है। और यहाँ पर आगे का हिस्सा दिखाना, देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये देखो घिसा हुआ सा है, और ये कॉपर का है मेरे ख्याल से। और भाई साहब अंदर अगर देखें तो यहाँ पर ये चीज भी हट गई है, ये पार्ट बाहर निकल गया, इस पर ग्रीस लगी हुई है। हाँ ये देखो उत्तरी भाई, ये जो ग्रीस है यार, मेरे हाथ ग्रीस में हो गए, बट यहाँ पर अंदर ग्रीस भरी हुई है ताकि बढ़िया से इसको लुब्रिकेशन मिल सके। ये जो है भाई एक थ्री फेज मोटर है, यानी कि तीन फेज बिजली पे चलती है। देखो यहाँ पर तीन वायर्स हैं, एक दो और तीन। और भाई साहब मोटर की हालत देखो यार, बहुत तगड़ी चीज़ है। आप लोग देख ही सकते हो क्या क्या होता है एक मोनोब्लॉक मोटर के अंदर। यहाँ पर और दिखाइयो, ये क्या चीज़ है भाई, यहाँ पर इसकी चीज़ें लिखी होंगी। इसको थोड़ा साफ अगर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोनो ब्लॉक पंप, नीचे आरपीएम लिखे हुए हैं 1440, यानी कि एक मिनट में 1440 राउंड ये घूमती होगी। और भाई साहब यहाँ पर इसकी पावर जो है वो लिखी हुई है, पावर कितनी है भाई, पावर कहाँ थी, पावर है इसकी 3.7 किलोवाट, देखो KW 3.7, यानी कि ये एक 5 हॉर्स पावर, 5 घोड़ा शक्ति की मोटर है, लेकिन हमने भाई इसको बहुत सारी गधा शक्ति लगा करके खोल दिया है भाई बहुत ही ज़्यादा दम लग गया इसको खोलने में। इसके पार्ट देखो यार, पूरा लोहा है। तो भाई अगर आपको मजा आया इस वीडियो में, एकदम यूनिक सी चीज थी, तो इस वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर देना। हाथ वात हो गए सारे ग्रीस में, खाले पीले, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और कमाल की वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।